Very good morning, friends. It's a cold morning. In the last lectures, we were discussing concept of limit. That was over. And today we start continuity. This the topic is very easy. First, we discuss the definition of continuity, and then we move to MCQ of that basis. Now, see the definition. कंटिन्यूटी कैसे चेक करना है देखिए इन द डेफिनेशन ऑफ द कंटिन्यूटी इफ फंक्शन एफ बी डिफाइन डिफाइन होना मीन्स व्याख्याित होना एफ आगे व्याख्यात है मीन्स डिफाइंड है फंक्शन एफ बी डिफाइंड एट एक्स इक्व टू एन नंबर वन एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू एफ ओप एग्जिस्ट यह समझना बहुत जरूरी है डोन्ट राइट नाउ इफ फंक्शन एफ बी डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए पहले डिफाइंड है

the first condition fx equal to fx exist condition number 2 x tends to a plus fx equal to fa equal to x tends to a minus fx if any function satisfies

एट एक्स इक्वल टू एज द पॉइंट ऑफ डेफिनेशन समझना क्या है विस टाइप ऑफ ऑप्शन टू पुटअप इन एग्जाम्स पहले ऑप्शन की बात करेंगे बाद में हम डेफिनेशन है वो एक्सप्लेन करेंगे ऑप्शन होगी आपके पास पहले ऑप्शन लिखा होगा कंटिन्यूस है दूसरा ऑप्शन होगा डिसकंटिन्यूस तीसरा ऑप्शन कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू कोई वैल्यू दी होती है एक्स इक्वल टू वन हाफ या वन और टू एक्सेट्रा कांस्टेंट नंबर फोर्थ ऑप्शन इट इज आ डिसक् टू कोई भी वैल्यू है यहां भी वन हाफ लिखेंगे और आप चाहे तो टू भी लिख सकते हैं यू कैन से वन यू कैन से जीरो एक्सेट्रा अभी ऑल एग्जाम्पल वी डिस्कस दैट टाइप ऑफ कंटीन्यूस डिसंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन हाफ और डिसकंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन हाफ फिफ्थ uh, ऑप्शन है कंटिन्यूअस एवरीवेयर कंटिन्यूस एवरीवेयर और लास्ट ऑप्शन आपके पास होगा कंटिन्यूअस नोवेयर दिस आर द पैटर्न ऑफ ऑप्शन वो आपके सामने होगा कंटिन्यूस लिखा है या डिसकंटीन्यूस लिखा है वो आपको कंसीडर करना है सीपीटी एग्जाम में कंटिन्यूस एट एक्स इक्ट वन हाफ कंसिडर करना है कंटिन्यूस डिसकंटीन्यूस एट एक्स इक्ट वन हाफ आपको कंसीडर करना है कंसीडर करना है भी ध्यान में रखना है ये हो सकता है मगर इफ इज द फंक्शन इज द कंटिन्यूस एवरीवेयर और नो वेयर दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन द सी सिलेबस वो आपको कंसिडर नहीं करना है कंटिन्यूस एवरीवेयर और नोवेल उसके बारे में आपको सीपीटी एग्जाम में सोचना नहीं है मीन छ में से चार ऑप्शन आपके पास है अगर लिखा है कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू लिखा है और कंटिन्यूस लिखा है दोनों राइट है मगर जहां ए ऑप्शन नहीं होगा वहां ए ऑप्शन होगा अगर फंक्शन कंटिन्यूस है एक्स इक्व टू वन हाफ या टू लिखा है अगर ये नहीं लिखा है और भी फंक्शन कंटिन्यूस है तो आपको कंटिन्यूस सेकंड ऑप्शन में लिख सकते हो सेकंड पहले सटे वैल्यू बेस पर आएगा अगर सटे वैल्यू नहीं दी है देन यू कैन से फंक्शन इज सिमिलर थॉट्स यू मे यूज इन डिसकंटिन्यूस अगर लिखा है डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्व टू वन हाफ वो नहीं लिखा है उसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हो डिसकंटिन्यूस Continuous or discontinuous concept is given in general, or continuous at x, x equal to certain value, or discontinuous at x equal to certain value is a specific. अगर आपके पास specific order में नहीं है, तो आप general में जा सकते हो. तो पहले रहेगा continuous वाला option, बाद में रहेगा continuous general वाला option. दूसरा option हमके पास है continuous at x discontinuous वाला option x equal to value, और अगर ये नहीं है और फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस है तो आप डिस्कंटिन्यूअस डायरेक्ट लिख सकते हो दिस आर द वर्चुअल फेस ऑफ द ऑप्शन पैटर्न ऑफ ऑप्शन क्वेश्चन में क्या होगा यहाँ लिमिट से पैटर्न जरा अलग है समझना जरूरी है सही आज द क्वेश्चन डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्व जीरो दी होती है टू डिस्कस पहले हमको यह भी जज करना पड़ेगा कैन वी डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन और नॉट अगर डिस्कस करना है तो कहां किस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे किस पॉइंट पर डिस्कस नहीं करेंगे वो पहले हम बात करेंगे दे गिव इन सर्टेन पॉइंट्स नॉट इंटरवल्स नॉट इनइक्विटी वो टाइप के कोर्स में एग्जाम्पल नहीं है पहली बात दे में जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है definition में लिखा है पहले तो इजी है एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्ट है वो हम बताएंगे अभी और एक इंपॉर्टेंट चीज है एक्स टेंस टू ए प्लस एन ए माइनस और ये ये किस तरह वर्क करेंगे ए प्लस और बे माइनस में यहां देखिए आप ए प्लस और ए माइनस में किस तरह वर्क करेंगे यहां बताएंगे प्लस वाली वैल्यू यहां बताएंगे माइनस वाली वैल्यू जीरो प्लस से वन प्लस हाफ प्लस से टू प्लस से प्लस मीन्स पॉट इंक्रीज द वैल्यू स्लाइटली इंक्रीज द वैल्यू पार्ट ऑफ इंक्रीमेंट जीरो प्लस का मीनिंग ये होगा वैल्यू जीरो से इंक्रीज हो रही है कितनी इंक्रीज हो रही है वो आपको पता नहीं है दिस इज ए वो इकोनॉमिकल इकोनॉमिक सेक्शन में आता है उसको हम कहते हैं डेल्टा स्लाइटली इंक्रीज अगर इंक्रीज पार्ट है प्लस है तो प्लस वाले फंक्शन में एक्स की जगह ध्यान रखिए प्लस वाले फंक्शन में इंस्टेड ऑफ एक्स अगर जीरो प्लस है तो आपको लिखना है जीरो प्लस एच अगर वन प्लस है तो आपको लिखना है वन प्लस एच अगर वन हाफ प्लस है तो आपको लिखना है वन हाफ प्लस एच और यानी टू प्लस है आपको लिखना है टू प्लस एच द प्लस एच इज अ पार्ट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ द क्वेश्चंस इंक्रीज हो रहा है माइनस मीन्स दिस पार्ट इज डिक्रीज बाय दैट वैल्यू अगर जीरो माइनस है तो जीरो माइनस वाले फंक्शन में इंस्टेड ऑफ एक्स मीन एक्स की जगह पर जीरो माइनस में हम सपोज करेंगे X की जगह पर वन माइनस एच वन हाफ माइनस में सपोज करेंगे वन हाफ माइनस एच और टू माइनस में हम सपोज करेंगे टू माइनस एच दिस इज अ पार्ट फॉर माइनस ये इनिशियल लेवल पर बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एग्जाम्पल यह बताना जरूरी है तो हम इसका यूज करेंगे डायरेक्ट वैल्यू नहीं डालना है डायरेक्ट वैल्यू काफी जगह रॉन्ग होती है प्लस इज अ पार्ट ऑफ इंक्रीमेंट प्लस इज अ पार्ट ऑफ इंक्रीमेंट माइनस इज अ पार्ट ऑफ डिक्रीमेंट डिस्क्रीमिनेशन डिक्रीज कहते हैं हम एम प्लस एंड माइनस इंक्रीज और डिक्रीज पार्ट यू कैन निग्लेक्ट एट द स्टेज ऑफ कैलकुलेशन निग्लेक्ट मीन अवगणना कर सकते हो कैसे अवगणना करनी है कैसे निग्लेक्ट करेंगे दैट आल्सो पार्ट वी डिस्कस इन एग्जाम्पल और एक यो, और एक बात यहां बताया मैंने इन द क्वेश्चन द एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स एंड ए माइनस एफ एक्स आर इक्वल है इक्वल तो यहां आपको यह शो करना है द प्लस वैल्यू एंड द माइनस वैल्यू आर इक्वल Plus value and the minus value are equal and equal to central location. Central location give me what? Fx equal to F A. If this condition satisfied, then we can say that function is continuous, otherwise, discontinuous. On that basis of thought, we discuss examples now and now better you. Please notice definition in your book, then we start this MCQ. Of the magro hill, uh, see the example 81 one of the limit continuity exercise. Then, after please note all these points in your book first. फ्रेंड्स इन एग्जाम्पल एटी वन अब पूरा लेक्चर में आप यहाँ ध्यान रखिए और डिफरेंट क्वेश्चन आम डिस्कसिंग हियर शिमला से क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन में ऑप्शन के बारे में बात करें द आंसर इज टू नाइन इज द आंसर ई रेस टू नाइन आप सही है एक ही जगह लिखना ए था नाइन लिखना था इसकी जगह ए लिखा है तो मिस प्रिंट है तो आप जरा चेक करिए पहले हम क्वेश्चन के बात करेंगे कंटिन्यूटी नाउ वी डिस्कस एग्जाम्पल एटी वन पहले समझिए ऑल क्वेश्चन आर इक्वली इंपॉर्टेंट जस्ट नाउ आई एम डिस्कसिंग ऑल वेटल क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करते हैं क्या ध्यान में रखना है एक्सेट्रा एज इंपोर्टेंट यस इन दी वन क्वेश्चन द फंक्शन इज गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू टू माइनस एक्स टू प्लस एक्स कंडीशन है पास में एक्स लेस देन टू यहां है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज अ फर्स्ट एग्जांपल कोई भी एग्जांपल आपके पास है कंटिन्यूटी का आपको ये चेक करना है कैन वी एस एस कंटिन्यूटी और नॉट फॉर दैट फंक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज इंपोर्टेंट यहां कंडीशन आपके पास है लेस देन टू एंड ग्रेटर यहां एक्स टू के बारे में बात हो रही है अगर टू के बारे में बात हो रही है तो थ्री टाइप की कंडीशन आपके पास है अगर थ्री टाइप की कंडीशन आपके पास है देन यू कैन एसेस द कंटिन्यूटी पहले आपको कंडीशन चाहिए ग्रेटर दें के बारे में बाद में लेस देन के बारे में और इक्वल टू के बारे में तीनों में एक्स इक्वल टू टू के आगे कंडीशन है वो चेक करना है पहले देखिए द इंफॉर्मेशन इज फॉर लेस एक्स लेस देन टू फंक्शन गिवन में लेस देन टू के बारे में इंफॉर्मेशन है एक्स इक्वल टू टू में लेस के बारे में इंफॉर्मेशन है नाउ हियर इट इज अ ग्रेटर देन टू एंड इक्वल टू टू दोनों फंक्शन की कंडीशन सिमिलर है मैं मैं वी हैव क्लियर टू डिस्कस एट यहां आप एग्जांपल में एक्स इक्वल टू टू आगे कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो वो क्लियर हो गया आपके पास डेफिनेशन में पढ़िए पहले लिखा पढ़ी है एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इज द फर्स्ट कंडीशन पढ़िए आपका ध्यान सिंपली डेफिनेशन में होना चाहिए एंड धैर्ण धैर्य दिस थॉट एफ एक्स इक्वल टू एफ ए का मीनिंग क्या क्या है कि कहाँ किस फंक्शन में एक्स इक्वल टू टू लिखा है एग्जाम्पल में तो कंडीशन नंबर टू आएगी यहाँ एक्स इक्वल टू टू है तो यहाँ फंक्शन है बिकॉज इज विद वेरिएबल है वेरिएबल क्या है एक्स है कॉन्सटेंस क्या है टू है तो पहले हम लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू टू प्लस एक्स तो एस पर दिस कंडीशन आई कैन राइट एक्स इक्वल टू टू मीन दोनों साइड एक्स की जगह टू रख सकते हो मीन एफ टू मस्ट बी इक्वल टू टू प्लस टू एंड टू प्लस टू इज द फोर दिस इज द कंडीशन नंबर वन एफ एक्स है एक्स इक्वल टू टू है तो एफ एक्स इक्वल टू टू में कंडीशन क्या है तो टू प्लस एक्स है किसके आगे कंटिन्यूटी चेक करनी है टू के आगे तो दोनों साइड x की जगह पर 2 रखना पड़ेगा तो हम रखेंगे तो आएगा वैल्यू एफ टू इज इक्वल टू प्लस टू इक्वल टू फोर आप फिर से भी दल की आप शुरुआत करेंगे तो पहले आपको ये x इक्वल टू लेना है बाद में लेस देन और ग्रेटर ले सकते हो अब बात आती है लेस देन टू एंड ग्रेटर एन टू की यहां समझने की कोशिश करिए तो यहां हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू टू प्लस लिखेंगे और यहां होगा लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस टू प्लस का मीनिंग है दो से ज्यादा है दो से ज्यादा बात तो यहां हो रही है दिस इंफॉर्मेशन गिवन एक्स ग्रेटर देन टू और फंक्शन आपके पास है टू प्लस एक्स तो यहां एफ एस की जगह हम टू प्लस एक्स लिख सकते हैं और टू माइनस मिस बॉट लेस देन टू दो से कम है टू माइनस है मीन दो से कम है दो से कम वाला फंक्शन है आपके पास टू माइनस एक्स ये आपके पास बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए एग्जाम्पल के बारे में अगर फंक्शन रॉन्ग है तो यू मे से कंटिन्यूस एक्चुअली इज टू बी डिसकंटिन्यूस हो भी सकता है मीन एक्स टेन टू टू प्लस फंक्शन इज टू प्लस एक्स एंड फॉर द टू माइनस फंक्शन इज माइनस एक्स और आप सर्कल वाला चार्ट देखिए सर्कल वाला चार्ट वहां लिखा है टू प्लस में आप एक्स की जगह इंस्टेड ऑफ एक्स यू कैन राइट टू प्लस एच एंड टू माइनस में इंस्टेड ऑफ एक्स यू कैन राइट टू माइनस एच तो लेट एक्स इक्वल टू टू प्लस एच हियर लेट एक्स इक्वल टू टू माइनस एच अब मैं एक लाइन लिखता हूं सभी जगह सभी बुक में लिखते हैं एक्सप्रेशन कहीं जगह नहीं मिलेगा सी आई एक्सप्लेन दैट लाइन देन आफ्टर यहां एक्स की जगह एस लिखा वेरिएबल चेंज हुआ तो लिमिट चेंज होगी तो एक्स टेन्स टू टू प्लस है तो दैट इम्प्लाइज यू कैन राइट एस टेंस टू जीरो कैसे आया द एक्सप्रेशन गिवन इन द ब्रैकेट अवर सपोजन पार्ट इज वेरी क्लियर सपोजन पार्ट इज एक्स इक्वल टू टू प्लस एच वहां हम यूज करेंगे x टेंस टू टू प्लस मीन x की वैल्यू टू प्लस से ज्यादा अधिक है means, में पार्ट x की जगह पर टू प्लस रखना है तो सपोजन पार्ट क्या है x इक्वल टू टू प्लस एच तो, तो लिखेंगे लिखेंगे हम टू प्लस इज इक्वल टू टू प्लस एच दिस लॉजिकल रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग नॉट फॉर एग्जामप टू प्लस मीन बॉट वैल्यू इंक्रीज बाय टू डेफिशन में और भी थे इंक्रीमेंट पार्ट यू कैन निगलेक्ट एट द स्टेज ऑफ जो पार्ट इंक्रीज हो रहा है वो आप एग्जाम्पल में निग्लेक्ट कर सकते हो अगर आप एग्जाम्पल में निग्लेक्ट करते हो तो उसका मीनिंग ये हुआ कि दिस टू एंड दैट टू आर सेम दोनों सेम है इफ यू निग्लेक्ट द इंक्रीमेंट पार्ट इफ यू निकलेक्ट द इंक्रीज पार्ट दिस टू एंड दैट टू आर सेम दोनों साइड सेम वैल्यू है तो कैंसिल होगी तो यहां हम लिखेंगे जीरो प्लस इज इक्वल टू प्लस एच ये बात हुई हाक्रीज पार्टिग्लेक्ट करते हो तो दिसम तो क्या बात आई जीरो प्लस इज इक्वल टू प्लस एच दोनों साइड जो साइन है वो इग्नोर करेंगे तो हम पढ़ेंगे एच इक्वल टू जीरो दिस एच टेंस टू जीरो इंपॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूटी एक्साम्पल सब्सू टू ऑल दिस पैरामीटर इन द एग्जाम्पल एक्स टेंस टू टू प्लस है तो क्या लिखा है लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो फंक्शन क्या है टू प्लस क्या लिखा है एक्स एक्स की वैल्यू क्या है टू प्लस एच और लिमिट की बात करेंगे डिनोमीटर नहीं है देन यू कैन सब्सू डायरेक्टली एच इीरो आएगी बात टू प्लस टू फोर प्लस जीरो इज फोर कंडीशन नंबर टू आप डेफिनेशन में जो कंडीशन नंबर टू है वो चेक कर सकते हैं फोर है यहां भी फोर है यू कैन से फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब बात आती है एक्स टेंस टू टू माइनस की यहां भी वो हम सेम लाइन लिखेंगे बाद में एक्सप्लेन करेंगे x टेंस टू टू माइनस ए इम्प्लाइज देंस टू जीरो एक्सप्रेशन आई एम गिविंग इन ब्रैकेट दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग नॉट फॉर एग्जाम पर्पज फंक्शन जो सपोज पार्ट है एक्स इक्व टू टू माइनस एच में एक्स टेंस टू टू माइनस लिखना है तो टू माइनस इज इक्वल टू टू माइनस एच यहां हमने इंक्रीज पार्ट निग्लेक्ट किया यहां हमने डिक्रीज पार्ट जो है वो निग्लेक्ट करना पड़ेगा इफ यू निग्लेक्ट द डिक्रीज पार्ट अगेन फ्रेंड्स यू कैन से दैट द राइट हैंड साइड टू एंड लेफ्ट सेम देहा इज इक्वल टू माइनस एच बोथ आर सेम वाई वी कंपेयर द बोथ आर सेम बिकॉज वी आर निग्लेक्टिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज पार्ट

टू प्लस एच टू टू कैंसल एस टेन टू जीरो मीन आंसर इज जीरो कंडीशन में फिर से देखिए आप एक्स टेंस टू टू प्लस एंड टू माइनस की वैल्यू सेम नहीं है मतलब ये दो सेम है तो वी कैनोट से फंक्शन इज कंटीन्यूस वॉट इज से आप ऑप्शन देखिए फंक्शन इज डिसकंटीन्यूस लिखा है Continuous नहीं है डिसकंटिन्यूअस एक्स इक्वल टू है वो ज्यादा राइट है x x क्वेश्चन इस तरह एटी वन क्वेश्चन के बारे में ये जो ब्रैकेट में लिखा है आई एम एक्सप्लेन इन फर्स्ट एग्जाम्पल नॉट इन ऑल यू मे यूज डायरेक्टली दिस एग्जामिफरेंट क्वेश्चन फ्टर द क्वेश्चन नंबर एटी वन नाउ सी हर एक जो क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं वो अलग अलग क्वेश्चन है आपको समझना है क्वेश्चन नंबर एटी टू एटी टू क्वेश्चन द फंक्शन इज गिवन एफेक्ट वन हाफ माइनस सिक्स वन बाई टू माइनस एक्स वन हाफ माइनस एक्स में कंडीशन है जीरो लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन हाफ यहां कंडीशन है एक्स इक्वल टू हाफ और यहां है वन हाफ लेस देन एक्स लेस देन हाफ एग्जाम्पल एटी टू यहाँ भी हमको डिस्कस करना है कहाँ हम डिस्कस कर सकते हैं कंटिन्यूटी कंडीशन पढ़िए हमें कंडीशन में तीन वैल्यू है जीरो कहीं जगह है कहीं जगह वन हाफ है कहीं जगह वन है तो तीनों में कंटिन्यूस कर भी सकते हैं दो में भी हो सकता है एक में भी हो सकता है कहीं में नहीं भी हो सकता है ना उसी प्लस की बात यहां करेंगे हम एस की वैल्यू जीरो में कंटिन्यूस है या नहीं है वन में है या नहीं है और वन हाफ में है या नहीं है एंड फॉर दिस मैटर फ्रेंड्स वी रिक्वाड टू इंफॉर्मेशन फॉर ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू पहली बात होगी जीरो की यू मे सी हियर द जीरो इज एप्लीकेबल इन द ओनली इन द फर्स्ट कंडीशन ये लिखा है लेस देन और इक्वल टू एक्स लिखा है तो उसका मीनिंग ये भी हुआ एक्स की कीमत जीरो और जीरो से ज्यादा है एक्स कीमत जीरो भी है और जीरो से ज्यादा है और लेस देन जीरो की इंफॉर्मेशन कहीं जगह नहीं है दे इज नो इंफॉर्मेशन नॉट ए सिंगल फंक्शन गिवन फॉर एक्स लेस देन जीरो मीन्स मिसिंग हुआ मीन्स वी कैनोट डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरोनोट डिस्कस